Hi, good morning everyone. How are you? Hope everyone is safe, secure and taking great care of themselves and their family members. So, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत 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 thanks for liking, sharing and subscribing my shop deal YouTube channel and giving me the opportunity to bring another products back to back for you for the investment portfolio. So your investment portfolio is also increasing and my knowledge, my valuation, my profiling is also increased to the greater level day by day. So सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिल से बहुत 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 थैंक यू फॉर ऑल दी माई शॉप डील यूट्यूब फैमिली हु हैव सब्सक्राइब द चैनल टू लाइक द चैनल हु आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड जो धीरे धीरे हमारी माई शॉप डील यूट्यूब फैमिली बन रही है बढ़ रही है उस सभी के लिए मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो सो वेरी मच फॉर द एंटायर थिंग. और जैसे ही गुड़गांव मार्केट का अपडेट्स मैं आपको हमेशा देता रहता हूँ तो आज भी गुड़गांव मार्केट की बात करते हैं. बैक टू बैक लॉन्चिंग हो रहे हैं, काफी सारे नए डेवलपर्स आ रहे हैं, काफी सारे नए प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं, काफी सारी नई इनोवेशंस और इन्वेंशंस को लेके आ रहे हैं. तो मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. और सबसे बड़ी बात, आज हम बात करेंगे टाउनशिप की. टाउनशिप क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से ये डेवलप होती है. इनिशियल जब टाउनशिप लॉन्च हो रही है तब आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, बीच में इन्वेस्ट करना चाहिए, या जब टाउनशिप पोजिशन की स्टेज में हो तब आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए. तो डेफिनेटली ये सारा डिस्कशन हम आज करेंगे, डेफिनेटली माई शॉप यूट्यूब चैनल पे करेंगे. आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ यूट्यूबर जो बैठ के एक जगह कमरे में मतलब फॉर मेकिंग द लॉन्ग वीडियोज. जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है विच आर मेकिंग द वीडियोज बाई सेटिंग इन अ रूम. आई डोंट नो वेदर दे हैव द थिंग. बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भाई M3M में ये आपकी कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो थोड़ा सा मेरी सजेशन उन यूट्यूबर्स को भी है कि प्लीज थोड़ा चेयर पे बैठ के बहुत ज्ञान देना, इट्स वेरी इजी. बट थोड़ा मार्केट में जाके, ग्राउंड फिगर में जाके, जो आप सेल कर रहे हैं या नहीं सेल कर रहे हैं दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट कहीं ना कहीं चीजों को इवेल्युएट करना शुरू कीजिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट ऑडियंसेस एट द राइट टाइम. तो M3M की बात कर लेते हैं. देखिए M3M का डेली अपडेट आ रहा है, डेली कंस्ट्रक्शन के अपडेट्स आ रहे हैं. और M3M का जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है दैट इज गोइंग फाइन विद ऑल दी प्रोडक्ट्स. कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाँ थोड़ी सिचुएशन टफ है, कभी अभी हियरिंग प्रॉपर फाइनल नहीं हुई है. आई टोटली एग्री, सेंटिमेंट्स उतने स्ट्रांग अभी नहीं है. बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब सेंटिमेंट्स है या बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी है, ऐसा भी नहीं है. सेल भी हो रही है और आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी चल रही है, कोई प्रोडक्ट हॉल्ट पे भी नहीं है एंड एवरीथिंग इज प्रोसेसिंग स्मूथ. बस एक बार ये ईडी वाला जो मैटर है वो क्लोज हो जाए तो उसके बाद चीजें और बेटर हो जाएंगी. बट ये थोड़ा सा जैसे कोविड में भी हमने क्या किया था, जब कोविड का टाइम आया था तो लोगों को लगा था मार्केट क्रैश हो जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी. उस टाइम पे लोगों को लगा था प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं और रियल एस्टेट का क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं होगा. तो ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी जो कोविड के टाइम पे भी लोगों ने की थी. बट आज आप देखिए कोविड, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, DLF Altima का 3.5 बेडरूम कोविड जैसी टाइम ड्यूरेशन पे 150 से लेके 160 का ट्रेंड होता था या सेल हुआ था, 148 147 तक भी सेल हुआ था. बट आज की डेट में अगर आप देखें तो रीसेल वैल्यू DLF Altima के 3.5 बेडरूम की है वो 2.5 करोड़ की है. 2.5 करोड़ से लेके 2.65-2.70 तक आज की डेट में रीसेल की ट्रांजेक्शन जाती है. तो जिन क्लाइंट ने कोविड के टाइम पे प्रॉपर्टी बाय की थी उन्होंने भी राइट डिसीजन लिया था, जिन्होंने 6 महीने पहले बाय की उन्होंने भी राइट डिसीजन लिया है, जो अभी बाय कर रहे हैं वो भी राइट डिसीजन ले रहे हैं, और जो 6 महीने बाद बाय करेंगे वो भी राइट डिसीजन लेंगे. आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई एम इन दिस मार्केट ऑफ द गुड़गांव रियलिटी सिंस 2014. तो 2014 एंड में आई जस्ट ज्वाइन द प्रॉप टाइगर. प्रॉप टाइगर में आई स्पेंड 2-2.5 ईयर. देन फ्रॉम प्रॉप टाइगर मूव टू वाटिका. वाटिका आई स्पेंड 2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली. एंड वहां से काफी मकान, हाउसिंग, प्रॉप टाइगर, देन वाटिका इज अ बिल्डर लॉबी. तो काफी अनुभव आपसे मिला आपको बिल्डर, ब्रोकर और बैंकर का. बिफोर दैट आई वॉज एन एक्सिस बैंकर ऑल्सो. तो बैंकिंग, ब्रोकर और बिल्डर ये तीन ही जगह होती है जहां पे आप अगर बुक करते हो तो आपका केस अटकने की प्रोबेबिलिटी है. या तो बैंकर साइड से अटकेगा या ब्रोकर साइड से अटकेगा, कुछ डिस्काउंटिंग में प्रॉब्लम होगी, या बिल्डर साइड से अटकेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी. बट माई शॉप डील से के थ्रू जब आप बाय करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास मोर देन 16 से ज्यादा बैंक्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं.
सारे अच्छे प्राइम बैंक्स हमारे पास ऑन बोर्ड है, फ्रॉम कोटक टू SBI टू HDFC टू ICICI टू कैनरा बैंक टू IIFL टू DHFL एवरी बजाज कैपिटल ऑल्सो, तो बहुत सारे बैंक हमारे ऑन बोर्ड है। तो अगर आपको लोन में या उसमें कुछ एरर है, एलिजिबिलिटी का कोई कंस्ट्रेंट है, बस आपका सिविल सही होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका सिविल नहीं है तो वी कैन नॉट, बट हाँ अगर सिविल थोड़ा बहुत भी है तो कहीं ना कहीं केसेस रिजॉल्व हो जाते हैं बिकॉज इंडस्ट्री इज बुक। एंड इसीलिए हमने 16 से ज्यादा बैंक्स को ऑनबोर्ड किया है। भाई एक में नहीं होगा तो दूसरे में ट्राई करेंगे, दूसरे में नहीं होगा। एक बार मेरे क्लाइंट का ऐसे ही एक केस था, जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग द थिंग विद यू। उनका क्या हुआ कि ही जस्ट बॉट द प्रॉपर्टी एंड ही वर्क इन मारुति, एंड ड्यू टू सम रीजन ही लेफ्ट मारुति, बट उनका जो यूनिट था वो फाइनल स्टेज में था, बट ड्यू टू सम रीजन ही हैज टू लेफ्ट दैट कंपनी। उसके बाद लोन की भी जो कंडीशन थी वो फाइनल स्टेज में था, सैंक्शन लेटर दे दिया था, बट सिंस ही चेंज द जॉब वो पूरा फॉर्मेलिटीज दोबारा स्टार्ट हुई। बट विद इन द टाइम ऑफ 15-20 डेज बैंक हैव कम अप एंड सारी चीजें कंसिडर करके उनको सैंक्शन लेटर दे दिया था। तो कई बार क्लाइंट्स भी घबरा जाते हैं, जैसे अभी M3M के केस में हुआ था कि जब ED वाला केस हुआ था तो HDFC और ICICI और एक्सिस तीनों बैंक्स ने अपने हाथ सबसे पहले पीछे खींच लिए थे, बिकॉज आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉशियस होते हैं इन सारी चीजों को, स्पेकुलेशंस को लेके। उन तीनों बैंक्स ने फंडिंग बंद कर दी थी। अब देखिए जिन क्लाइंट्स ने M3M गोल्फ हिल्स बाय किया था, तो जिन क्लाइंट्स ने M3M गोल्फ हिल्स बाय किया था और उस टाइम पे इट इज विद HDFC और ICICI नीड टू चेक, बट इनिशियली फंडिंग स्टॉप होने से थोड़ा सा फियर तो एक क्लाइंट्स को हो ही जाता है कि भाई बैंक से फंडिंग रुक गई है, कहीं प्रोजेक्ट में कोई हॉल्ट तो नहीं आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बट M3M की जो बैकिंग टीम थी उन्होंने कैनरा बैंक को और SBI को अगेन ऑन बोर्ड ले लिया, तो फिर कैनरा से सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं और SBI से भी मोस्टली प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। तो ये थोड़ा सा फियर है, ठीक है आपका प्रोसेसिंग ICICI में नहीं हो पाया किसी XYZ रीजन से, या XYZ रीजन से वो बैंक्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, बट बिल्डर जो रिस्पॉन्सिबल बिल्डर होता है, आई एम नॉट सेइंग ऑल द बिल्डर, बट जो रिस्पॉन्सिबल बिल्डर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल टीम होती है, जो रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी होती है, चाहे वो आपका बिल्डर हो, चाहे वो आपका ब्रोकर हो जिसने आपको प्रोडक्ट दिलवाया है, या फिर कहीं ना कहीं बिल्डर में RM या CRM की बैकएंड टीम हो जहां से आपका सारा ट्रांजेक्शन थ्रू हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है, वो असिस्ट करती है। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल, मेरे US के क्लाइंट को उन्होंने पूरा पैकेट बना के भेज दिया जबकि उन्होंने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दिया हुआ था, तो फिर M3M ने यही कहा कि आप पोस्ट कर दो क्योंकि वो एक ओरिजिनल और लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको दोबारा रिपोस्ट नहीं कर सकते। एक क्लाइंट का ऐसे ही हुआ था, मेरे वन ऑफ द सिंगापुर क्लाइंट, उनका आंध्र प्रदेश में कोई पेरेंट्स का एड्रेस था, वहां पर कुरियर कर दिया था M3M ने और वो कुरियर में डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो व्हेन ही कॉल्ड M3M एट द बैकएंड CRM, M3M ने कहा कि भाई दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, हमें या तो FIR करनी पड़ेगी या फिर कुछ करके फिर उसके बाद ही हम रीशू कर सकते हैं। तो उन्होंने बैकएंड में DTCP में चेक किया तो वो कूरियर मिल गया था, ट्रैक हो गया था, वो कुछ उसका कोड या कुछ एरर था, वो एक ही नंबर से दो घर उस टाइम पे ले। तो देखिए इस तरह की छोटे छोटे इश्यूज तो आ सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट के इस तरह के कुछ इश्यूज या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज या कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती जहां पर डिफिकल्टीज नहीं आ सकती, बट हाँ हर डिफिकल्टी का एक सॉल्यूशन होता है। BBTP में भी आपको ध्यान होगा ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 बैक ईयर BBTP की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, फंड्स का प्रॉब्लम था, प्रोजेक्ट्स में उतना बन नहीं रहा था, काफी सारे प्रोजेक्ट स्टक पड़े हुए थे, बट कहते ना जब नियत सही हो, कहते हैं प्रभु मूरत देखी तन तैसी, भावना रही जिसकी जैसी, तो जैसी भावना होती है वैसे ही रास्ते जो गॉड है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके लिए ओपन करते हुए चले जाते हैं। जैसे BBTP ने सबसे पहले अपना बिल्डिंग लिक्विडेट करी थी डुलाइट को 5000 करोड़ के आसपास के अमाउंट के अंदर, और उससे जो फंड जनरेट हुआ था उससे अपने जितने भी पेंडिंग के फ्लोर्स के प्रोजेक्ट थे, एब्स्टोरिया में ले लीजिए या स्टार गार्डन में ले लीजिए या BBTP पार्क जनरेशन सिरीन स्पेशियो, जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट थे क्योंकि फंड्स की कमी थी जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, तो वो सारे कंस्ट्रक्शन पूरे करे BBTP ने क्योंकि नीयत सही थी, इंटेंशन सही थी। इंटेंशन सही है तो सब कुछ हो सकता है, इंटेंशन सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इट इज अ सिंपल वर्डिक्ट, नॉट ओनली द रियलिटी स्टेट बट इन एनी ऑफ द प्रोफाइलिंग। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया आपको ये चीज करनी है, जैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कमिट कर देते हैं भाई आपका ये क्रेडिट नोट है मैं दूंगा, मैं कब दूंगा, मैं कैसे दूंगा, देखिए थोड़ा टाइम लगता है, आई टोटली अंडरस्टैंड, कई बार बिलिंग लेट हो सकती है, कई बार बिल्डर की साइड से पेमेंट डिले हो सकता है, कई बार आपके
बीबीए का टैक्स वाला पार्ट भी अगर सबमिट नहीं है तो उसके बिना बिलिंग भी नहीं हो सकती। तो आई नो कि हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा टाइम का इशू होता है अगर किसी ने आपको कमिट किया, बट मेजर थिंग जो कमिट किया है वो ऑनर कर दे। डिले भले हो जाए, डिले में आई एम नॉट सेइंग कि डिले नहीं होता है, डिले डेफिनेटली हो सकता है, बट जो कमिटमेंट्स आपको किए गए हैं जिस भी चैनल ने किए हैं, जिस भी ब्रोकर के साथ आप डील कर रहे हो, जिस भी चैनल ने किए हैं, बस वो कमिटमेंट फुलफिल कर दे। कमिटमेंट फुलफिल करता है तो वो मतलब 100% आपका जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो ट्रस्टेबल बनता है, रिलायबल बनता है। अगर वो नहीं होता, फोन नहीं उठाता, रिप्लाई नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, मेल का रिवर्ट नहीं करता, सबसे पहली चीज तो आप मेल पे ले लो जो भी चीज आपको वर्कआउट हो रही है, जस्ट टेक इट ऑन द मेल, डॉक्यूमेंटेड ऑथेंटिक मेल पे ले लोगे तो आपका थोड़ा सा चीजें बेटर रहेंगी। बाकी तो देखिए वर्ड्स हमारी इंडस्ट्री में बहुत मैटर करता है, इट मैटर्स अ लॉट, इवन कमिटमेंट्स भी बहुत मैटर करती हैं। और एज पर द गुड़गांव रियलिटी मार्केट, जो अयोध्या के श्री राम के जो वचन होते हैं कि अगर एक बार बोल दिया तो फिर देर इज नो सेकेंड थॉट, तो वो भी सारी चीजें हमारी गुड़गांव इंडस्ट्री में कि भाई अगर कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो दीज आर द थिंग्स विच ऑलरेडी हैपेंड, एंड सिंस इफ यू आर न्यू टू दिस माई शॉप डील यूट्यूब चैनल, सो सबसे पहले तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके लिए आती रहे। तो अगर आप गुड़गांव रियलिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन तीन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। पहला, लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिए, लोकेशन अच्छी चूज कीजिए अगर आप कैपिटल अप्रिसिएशन लेना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, भले ही वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, दैट डजंट मैटर, बट जो भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं या एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन का बहुत ध्यान रखिए। अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो भी है मल्टीपल लोकेशन, सबसे जो नॉर्मल लोकेशन आती है जहां पे आप 1 CR के टिकट साइज में भी एंट्री ले सकते हैं वो लोकेशन है साउथ गुड़गांव, या सोना भी उसको बोल सकते हैं, या इट इज द पार्ट ऑफ गुड़गांव विच इज वेरी क्लोज टू अरावली। GD गोइन का यूनिवर्सिटी है वहां पे, KR मंगलम यूनिवर्सिटी है वहां पे, SCJ ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल है वहां पे, और सबसे बड़ा एडवांटेज दैट इज वेरी क्लोज टू नेचर। तो वहां पे सुबह आपको अरावली, उगता हुआ सूरज, नेचर, बर्ड्स का साउंड, लेपर्ड्स भी आ सकते हैं, दैट्स अ जोक्स अबाउट, बट हाँ इट्स वेरी वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एरिया। वहां पे एयर क्वालिटी इज वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छी प्योरिफाइड एयर आपको मिलेगी। राजीव चौक से ये मात्र जो जगह है 20 मिनट के डिस्टेंस पे, राजीव चौक गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, राजीव चौक दिल्ली मत समझिएगा आप लोग, बिकॉज कई बार जो दिल्ली के क्लाइंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई राजीव चौक दिल्ली है राजीव चौक गुड़गांव, बिकॉज दोनों ही जगह राजीव चौक है। तो जोक्स अपार्ट, तो राजीव चौक गुड़गांव से ये जो साउथ ऑफ गुड़गांव लोकेशन है ये 20 मिनट के रास्ते पे है, फ्लाईओवर बन गया है तो विदाउट रेड लाइट आपकी जो ड्राइव है वो बहुत ही स्मूथ रहेगी। वहां पर टॉप ब्रांड्स की अगर बात करें तो वहां पर आपको ब्रांड मिल जाते हैं सेंट्रल पार्क, जो कि उस एरिया का DLF है, मतलब सेंट्रल पार्क क्रिएटेड अ बेंचमार्क इन दैट एरिया। अगर आप मतलब सपोज घूमने के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं, मनाली जाते हैं, मतलब उस तरह का माहौल सेंट्रल पार्क ने अपना साउथ गुड़गांव वाली टाउनशिप में, जिसका नाम है फ्लावर वैली, जो 500 एकड़ की टाउनशिप है, उसमें पूरा का पूरा एनवायरमेंट वो क्रिएट कर रखा है सेंट्रल पार्क डेवलपर्स ने। तो आप जाओगे आपको लगेगा यार इज इट गुड़गांव, क्योंकि इतना क्लीन, ब्यूटीफुल क्लब, ब्यूटीफुल वाटर बॉडी, फिश पॉइंट, आर्टिफिशियल लेक्स, मतलब बहुत ही गजब की चीजें उन्होंने बना रखी है उस टाउनशिप में। मैं तो जब भी जाता हूँ मतलब मन ही नहीं करता कि यू जस्ट कम बैक फ्रॉम दैट टाउनशिप, इतनी खूबसूरत है, हॉर्स राइडिंग, गोल्फ कार्ट्स, गोल्फ, 10 बिग इंटरनेशनल अकेडमीज, इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब एक एक चीज इतनी चुन चुन के बनाई है ना, मतलब हम लोग बोलते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है मुमताज के लिए, बट ये जो सेंट्रल पार्क है मिस्टर बख्शी जी ने बनवाया है फॉर दे कस्टमर, सो दैट दे डोंट हैव टू गो टू द आगरा और मथुरा फॉर बाय डिफॉल्ट जाइए आप आगरा जाइए मथुरा जाइए, बट जो ब्यूटी साउथ गुड़गांव की है, जो बेंचमार्किंग है, तो अगर मैं नंबर वन प्रोडक्ट सेंट्रल पार्क ही है साउथ गुड़गांव में जिन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, उसके अलावा भी वहां पर काफी प्राइम डेवलपर्स है, जैसे आशियाना वहां पर है, एल्डिगो वहां पर है, गोदरेज का नेचर प्लस वहां पर है, सिरेनिटी वहां पर है गोदरेज का, ये काफी सारे अच्छे एंड प्राइम एंड क्वालिटी एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट है। सिल्वर ग्लेड्स का द मीलिया वहां पर है, बहुत ही अच्छा लेआउट है, 130-140 के बजट में 3 बेडरूम आपको वहां पे मिल जाता है, और क्या चाहिए आपको। उसके अलावा वहां पे प्लॉट्स काफी सारे डेवलपर्स के हैं, IRO के प्लॉट्स वहां पर है, JMS के प्लॉट्स वहां पर है, देन RUF के प्लॉट्स वहां पर है, ATS के प्लॉट्स वहां पे है, IRO के प्लॉट्स वहां पर है, GLS के प्लॉट्स वहां पर है, एंड काफी सारा कमर्शियल्स भी वहां पे है, LID ग्रुप के कमर्शियल्स भी वहां पर है, तो वो भी मैं अपडेट आपको जल्दी ही दूंगा
फॉर दी सेम। तो अगर आप वहां पर इन्वेस्ट करने का कमर्शियल में प्लान रख रहे हैं तो 35 लाख से वहां पे कमर्शियल्स मिल जाएगा आपको। सिग्नेचर ग्लोबल, हाँ हम कैसे भूल गए, सिग्नेचर ग्लोबल पार्क 4 और 5 भी वहां पर है और 1, 2, 3 भी वहां पर है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाउनशिप बनाई है सिग्नेचर ग्लोबल ने, बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हफीज का डिजाइन एंड माई वन का कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, तो बहुत बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जो प्रोडक्ट आज से 1-1.5 साल पहले 60 लाख के मिल जाते थे वही आज 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो सोना में भी लोगों ने कैपिटल एप्रिसिएशन कमाया है। उसके बाद दूसरी लोकेशन आती है, दैट इज बेसिकली द न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो साउथ गुड़गांव के बाद जो फिर आपका टिकट साइज स्टार्ट हो जाता है वो न्यू गुड़गांव में हो जाता है। तो अगर साउथ गुड़गांव में आपको लगभग 80-90 लाख से लेके 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ तक के ऑप्शन मिलते हैं, तो न्यू गुड़गांव में आपको लगभग 1 करोड़ 10 लाख से लेके अप टू 5 करोड़ तक के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। जो न्यू गुड़गांव में जो प्राइम डेवलपर्स हैं वो है गोदरेज, MR, वाटिका, बेस्टेक, DLF, देन योर SS एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स आर कमिंग अप इन दैट एरिया बाई गंगा रियलिटी एंड इलान ऑल्सो। M3 ऑल्सो हैज सम होल्ड इन सेक्टर 89 इन दैट एरिया बाई द टाउनशिप। उसके अलावा ऑरिस का कार्नेशन, ऑरिस एस्टेगोर प्रीमियम, ये सारे भी आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट अगर आप नए प्रोडक्ट की बात करें, नए लॉन्चिंग की बात करें, तो उसमें गंगा रियलिटी का अपकमिंग प्रोडक्ट है एंड SS का सेडाना है, और ये दो ही नए प्रोडक्ट है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो 3 साल का टाइम ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा फॉर डूइंग द पेमेंट इन दीज टू प्रोडक्ट्स। तो दीज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। तो पहली लोकेशन हो गई साउथ गुड़गांव, दूसरी लोकेशन हो गई न्यू गुड़गांव, तीसरी सबसे प्राइम हॉटस्पॉट आता है वो आता है SPR। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो सेक्टर 49 से स्टार्ट होता है और सेक्टर 79 पे फिनिश हो जाता है। इसको हम लोग SPR और ग्रेटर SPR भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो अगर हम मेजर इन्वेंट्रीज की बात करें तो M3M के सबसे ज्यादा कमर्शियल इसी बेल्ट पे है। कॉर्नर वॉक आप ले लीजिए, प्रीवी ले लीजिए, ब्रॉडवे ले लीजिए, इलान का एपिक यहाँ पे है, रीच का 3 रोड कमर्शियल यहाँ पर आता है SPR रोड पर, और ट्यूलिप की पूरी टाउनशिप है यहाँ पर 69 के अंदर। ट्यूलिप वायलेट, ट्यूलिप येलो, ट्यूलिप लीफ, ट्यूलिप ऑरेंज, ट्यूलिप लेमन, ट्यूलिप का मंदिर, ट्यूलिप का क्लब, काफी अच्छा ये SPR रोड है। AIPL जैन के 2 बेडरूम्स में भी कुछ इन्वेंट्रीज है। कैपिटल 360 रेजिडेंसीज में भी आपको 2 बेडरूम की इन्वेंट्रीज मिल जाएगी 1.5 करोड़ के आसपास में SPR में, जो एक नया टावर उन्होंने अभी ओपन किया है। इसके साथ साथ पिरामिड का नया लॉन्च आ रहा है रेजिडेंशियल का, विच इज इन अपोजिट टू DLF अल्मेडा, सेक्टर 71 के अंदर हाई राइज अपार्टमेंट है, 13-14 हजार के प्राइस का लॉन्च है। व्हाइट लैंड के एस्पिन है, व्हाइट लैंड का आइकॉनिक है और व्हाइट लैंड का ब्लिस विले है, 3 प्रोडक्ट आपको व्हाइट लैंड के मिल जाते हैं। वहीं पर आपको M3M अंतालिया के लो राइज फ्लोर मिल जाते हैं, M3M गोल्फ हिल्स के हाई राइज अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, मैप्स को माउंट विले का आइकन टावर मिल जाता है, बेस्टेक अल्टुरा मिल जाता है, गोदरेज का भी नया लॉन्च आने वाला है 79 में, 3 नए टावर्स हैं उसमें आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी, और सिग्नेचर ग्लोबल का सेक्टर 79B के अंदर लो राइज फ्लोर्स है जिनको बोलते हैं सिग्नेचर 79 सिटी फ्लोर्स, उसमें आपको कुछ इन्वेंट्री मिल जाएगी। यहाँ का टिकट साइज 1 करोड़ से लेके लगभग 7-8 करोड़ तक जाता है सदर्न पेरिफेरी रोड का। लोकेशन बहुत स्मॉल है बट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट के डेवलपर्स हैं इस एरिया के अंदर, बहुत ही फाइन डेवलपर्स हैं, मतलब दे आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स ऑफ द मार्केट। सो थर्ड लोकेशन हो गई SPR। फोर्थ लोकेशन की बात करें तो फोर्थ लोकेशन में आती है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग केक इन द टुडेज टाइम ड्यूरेशन, बिकॉज सबको पता है कि इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ और 1 ईयर वो पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, फंक्शनिंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। तो वहां पर भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। चिंतामणि एक नए डेवलपर वहां पर आए हैं। उसके अलावा गोदरेज आइकन में और जो चॉइसेस में ATS मैरीगोल्ड, M3M क्राउन, M3M कैपिटल, स्मार्टवुड 1 DXP, पूरी के कुछ नए टावर लॉन्च होने वाले हैं, शोभा, इस तरह के ब्रांड्स आपको द्वारका एक्सप्रेस वे में मिल जाते हैं। गोदरेज मेरिडियन इज ऑल्सो द गुड प्रोडक्ट विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो काफी हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है, काफी प्राइम प्रोडक्ट है उस एरिया का, और प्लॉट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं वाटिका की टाउनशिप में, देन रहेजा की ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, और BBTP एस्टायर गार्डन के अंदर भी, एम स्टोरिया के अंदर भी आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस थे द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो नंबर 1 आई यूज टू कीप इट ऑन साउथ गुड़गांव, देन न्यू गुड़गांव, देन SPR, देन द्वारका एक्सप्रेसवे, एंड देन एक्सटेंशन रोड। उसके बाद आती है एक्सटेंशन रोड, जहां पर आपको अभी आपने देखा होगा पुरी का लॉन्च हुआ है,
MR Urban Oysters लॉन्च हुआ है, DLF Harbour लॉन्च हुआ है, लॉन्च होते ही ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं सारे प्रोडक्ट, और छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं थे, दीज आर द प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 4-4.5 crore एंड रेंजेस टू 10 crore, उसके बाद भी ओवर सब्सक्राइब हो गए, तो दैट इज द डिमांड ऑफ द एक्सटेंशन रोड। और फिर आते हैं नेक्स्ट लोकेशन इज MG रोड, तो MG रोड पे दो ही प्रोडक्ट है, सनसिटी का प्लेटिनम टावर है और आपका सिल्वर ग्लेड्स का हाई टाउन है, ये दो प्रोडक्ट आते हैं आपके सुशांत लोक एरिया के नीचे नियर बाई सेक्टर 28 के अंदर। एंड उसके बाद आपका आ जाता है जो लोगों को नियर बाई दिल्ली चाहिए, तो MBS क्रिएशन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज अबाउट टू हैंड ओवर पोजिशन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो भी एक ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ द गुड़गांव विच इज अ गोल्फ कोर्स रोड, और गोल्फ कोर्स रोड पे आपके पास आता है DLF के फ्लोर्स फेस 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर, और उसके अलावा आता है ट्यूलिप का मोंजेला, तो ट्यूलिप मोंजेला अभी आप देख सकते हैं या फिर आप DLF के फ्लोर्स देख सकते हैं फेस 5 के अंदर जो न्यू लॉन्च है, या फिर अगर लो राइज आपको दिल्ली के पास चाहिए तो DLF फेस 1, 2, 3, 4, 5 में जो DLF ने अपने फ्लोर्स लॉन्च करे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो गुड़गांव रियलिटी मार्केट में मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दी, थोड़ा सा आपको अपडेट दिया, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोस्ट रोड, गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड, SPR, न्यू गुड़गांव, साउथ गुड़गांव, 37D में भी कुछ ऑप्शन का है, 130 से लेके 150 के बीच में जो नियरिंग पोजिशन है, तो वो ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट्स थी, छोटी सी माई शॉप डील क्विक बाइट्स था 21-22 मिनट्स का, जिससे आपको थोड़ा सा अगर आप नए हैं गुड़गांव के बारे में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन सूट करेगी, कौन सा एरिया सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, उसी के बारे में अपडेट था ये। अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कनेक्ट ऑन माई बिलो मैंशन नंबर विच हैव जस्ट मैंशन बिलो दिस वीडियो, सो मी माई टीम विल कनेक्ट विद यू, विल डिस्कस विद यू, kindly manage your time for a cup of coffee, let's meet for a cup of coffee at my shop deal office in the Gurgaon, and if you want to meet me to discuss, to evaluate, to explore, so you all are most welcome, you all are the my shop deal YouTube family, so like kijiye, share kijiye, subscribe kijiye, aaiye my shop deal office mein, let's discuss the entire millennium city, let's unbox the mystery of the Gurgaon city, big developers, big projects, strong product, not the big project, strong product, strong location, strong amenities, strong return, strong rentals, strong capital appreciation, and once your money multiplies then you keep on investing regularly in the Gurgaon product. So Gurgaon ke bare mein ek khaas baat hai ki Gurugram Gurgaon mein jo bhi investor ek baar invest karte hain अच्छे रिटर्न्स लेते हैं, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन द मिलेनियम सिटी रेगुलरली, इसीलिए इसको मिलेनियम सिटी नहीं बोलते हैं, ये फॉर्च्यून 500 में से फॉर्च्यून 350 कंपनीज के जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट हब है, दे आर इन द गुड़गांव, दे आर इन मिलेनियम सिटी गुड़गांव। इसके साथ साथ पूरा का पूरा कॉर्पोरेट प्रोफाइल है, कॉर्पोरेट फंडिंग है, कॉर्पोरेट लोग हैं एंड कॉर्पोरेट बिल्डर है, कॉर्पोरेट चैनल्स है। सो स्टे सेफ, टेक केयर, we'll meet you shortly in the another video, thanks for liking, sharing, subscribing, and keep smiling, keep rocking, be positive, be hopeful, and milte hain jaldi hi aapko agli video mein, thank you so very much and have a great day, bye everyone.